हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजौरिया, वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आया हूँ ट्राइंगल से है, क्लास टेंथ के लिए अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मीन्स ए बी सी एक ट्राइंगल है और जिसमें बी सी साइड का डी क्या है, मिड पॉइंट है। फिर बोला है ए डी इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ई, और ए डी बाइसेक्ट होता है किस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर। एंड बी ई प्रोड्यूस्ड कट्स ए सी एट पॉइंट एक्स, और जब बी ई को ज्वाइन करने के बाद प्रोड्यूस किया जाता है तो ये ए सी साइड को पॉइंट एक्स पर कट करता है। ठीक है, तब प्रूव करिए बी ई रेशियो ई एक्स इक्वल टू 3:1। मीन्स बी ई अपॉन ई एक्स इक्वल टू 3:1, यानी कि 3/1 होता है, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चन हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, एक छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। मीन्स हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक ई एफ लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि किसके पैरेलल है, ए सी साइड के पैरेलल है। सो दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन सेगमेंट। ठीक है, मेंशन कर देते हैं। सो ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए सी, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग आते हैं डी कैसा पॉइंट दिया है हम लोगों को, मिड पॉइंट। सिमिलरली ई पर ए डी भी बाइसेक्ट होता है, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग लिख देते हैं सिंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, क्योंकि ई पर ए डी बाइसेक्ट होता है, राइट। देयरफॉर क्या बोला जा सकता है कि ए ई इज इक्वल टू ई डी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अभी डी भी क्या है, डी मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। इसका मतलब ये वाला जो लाइन सेगमेंट ए बी कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। मैंशन कर देते हैं अभी, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसका मतलब अगर डी मिड पॉइंट है तब बोल सकते हैं कि बी डी इक्वल टू डी सी, और ये किसके इक्वल होगा, अगर ये दोनों पार्ट इक्वल है तो हर एक पार्ट पूरे पार्ट का क्या होगा, हाफ होगा। लिख देते हैं इस चीज़ को, तो 1/2 बी सी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों के लिए है। ठीक है, अब आते हैं, जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो हम लोग चेक करते हैं कि जो पैरेलल लाइंस के पेयर्स हैं, ठीक है, वो किस ट्राइंगल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक शेड किया हुआ ट्राइंगल है, येलो कलर में आप देख पा रहे होंगे। इस ट्राइंगल के अंदर ये साइड और ये साइड कैसी हैं, पैरेलल है, पैरेलल लाइंस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर मैंशन करते हैं हम लोग, और फिर हम लोग बी पी टी लगाते हैं। ओके, सो कह सकते हैं नाउ इन ट्राइंगल विच वन ए डी सी, ए डी सी ट्राइंगल के अंदर कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं, ई एफ इज पैरेलल टू वॉट ए सी। ठीक है, सो इस ट्राइंगल के अंदर ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तब क्या कह सकते हैं बाई यूजिंग बी पी टी, तो दिस अपॉन दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस लाइन सेगमेंट। बी पी टी यही कहती है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जाए तो बाकी की दो साइड्स को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करती है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर डी एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू वॉट डी ई अपॉन ए ई, मीन्स दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, राइट। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग डी ई, डी ई या ई डी तो किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, सो दिस इक्वल टू वॉट ए ई अपॉन ए ई। ठीक है, किसकी वैल्यू है, डी एफ अपॉन एफ सी। अब ये तो कैंसिल हो गया, क्या है 1। अब इसको क्या करें, ट्रांसपोज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में जाएगा। देयरफॉर क्या बोला जा सकता है कि डी एफ इक्वल टू एफ सी। सो हम लोगों ने क्या शो किया, दैट दिस लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू दिस लाइन सेगमेंट। क्लियर है, ये दो लाइन सेगमेंट्स कैसे हैं, इक्वल है। अगर ये दोनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल है तो ये पूरे का यानी कि डी सी लाइन सेगमेंट का क्या होंगे, हाफ होंगे। तो इसी चीज़ से हम लोग कह सकते हैं कि डी एफ इक्वल टू एफ सी तो है, बट हर एक लाइन सेगमेंट कितना होगा, 1/2 डी सी होगा, करेक्ट। अगेन डी सी देखें तो डी सी यहाँ पर है, और डी सी की वैल्यू कितनी है, 1/2 बी सी। डी सी के प्लेस पे इसकी वैल्यू रख सकते हैं बाय इक्वेशन नंबर 2, सो दिस इक्वल टू व्हाट, 1/2, और डी सी के प्लेस पे क्या रख दिया हम लोगों ने, 1/2 बी सी।
या फिर जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 1/4 BC। और ये किसकी वैल्यू है, ये DF और FC दोनों की वैल्यू है कितना, 1/4 BC। इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग पैरेलल लाइंस का एक और कॉम्बिनेशन देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों कैसी हैं, पैरेलल। तो एक ट्राइंगल हम लोग देख पा रहे हैं दिस वन, इस ट्राइंगल के अंदर। और इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम लोग देखें तो दो लाइंस हैं जो कि आपस में कैसी हैं, पैरेलल। कौन सा ट्राइंगल, BCX। और इसके अंदर EF पैरेलल है किसके, XC के पैरेलल है, ठीक है। तब ये पैरेलल लाइन दो लाइंस को, बाकी की दो लाइंस को क्या करेगी, सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी, मीन्स BE/EX = BF/FC, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग करेंगे, बट उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम लोगों को BF की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले BF की वैल्यू निकाल रहे हैं उससे पहले, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, नाउ BF, अगर BF हम लोगों को निकालना है तो BF ये लाइन सेगमेंट है और इसके अंदर दो लाइन सेगमेंट आ रहे हैं ना, कौन कौन से, BD + DF लिख सकते हैं इसको, तो BD + DF हम लोगों ने लिख भी दिया, ठीक है। अगेन देखें BD, सो BD यहाँ पे देख पा रहे हैं, और BD की वैल्यू कितनी है, 1/2 BC, रख देते हैं इसको 1/2 BC प्लस DF, सो DF आप यहाँ देख पा रहे होंगे, DF की वैल्यू कितनी है, 1/4 BC। सो ये इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 3 से जस्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो इसको रख देते हैं 1/4 BC, 1/2 BC प्लस 1/4 BC दोनों को क्या करें, प्लस कर दें, तो LCM आएगा 4। तो अब ये कितना हो गया, 2 से इसको डिवाइड किया 2 टाइम्स, तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2 BC, 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 1 में ही रहेगा तो BC ही रहेगा, ठीक है। तब ये बन जाएगा हम लोगों का 2 BC + BC मीन्स 3 BC/4। और ये किसकी वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने, BF। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए। सो हम लोगों के पास किसकी वैल्यू है, BF की वैल्यू है, और ये इसको कंसिडर कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आते हैं वही ट्राइंगल जिसको अभी हम लोगों ने शेड किया है, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCX लिख देते हैं इसको। नाउ इन ट्राइंगल BCX, अगर BCS ट्राइंगल की बात हम लोग कर रहे हैं तो इसके अंदर कौन से दो लाइंस का पेयर पैरेलल है, सो EF इज पैरेलल टू XC, राइट। अगर EF XC के पैरेलल है तो क्या कह सकते हैं, this upon this = this upon this या this upon this, इसको पहले लिख देते हैं, therefore BE/EX इक्वल टू किसके इक्वल होगा, BF/FC के इक्वल होगा, ठीक है। अगेन BF की तो वैल्यू है कितना, 3/4 BC, ठीक है। /FC, अगेन FC की भी वैल्यू है हम लोगों के पास कितना, 1/4 BC, रख दीजिए इसको 1/4 BC। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या है 4, और इसका भी डिनोमिनेटर क्या है 4, सो 4 से 4 कैंसिल हो गया, BC इज देयर कैंसिल हो गया, तब क्या रहता है हम लोगों का 3/1, राइट। और इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर BE ratio EX = 3:1, और यही हम लोगों को शो करना था। आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से याद दूँ, एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।